नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। खबर रीवा से है, जहां नगर निगम के वार्ड क्रमांक 4 खेरी नई बस्ती में मुक्तिधाम का विवाद लंबे समय से चल रहा था। कई बार विवाद हुआ, यहां तक कि तत्कालीन कलेक्टर SN रूपला मौके पर पहुंचे थे और अंतिम संस्कार के लिए जमीन चिन्हित कराई थी, लेकिन भू माफिया शासकीय जमीन पर कब्जा कर लिया था। लंबे विवाद के बाद शुक्रवार को नगर निगम अमला मौके पर पहुंचा और खाली पड़ी जमीन पर लेआउट किया। प्रशासनिक अमले को देखकर स्थानीय लोग एकत्र हो गए और उन्होंने बताया कि कुछ भूमाफियाओं के द्वारा शासकीय जमीन पर फेंसिंग कर ली गई है। अगर उक्त अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराकर नगर निगम प्रशासन मुक्तिधाम बस्ती से दूर बनवा दे तो दफनाने और शव जलाने के लिए अलग अलग जगह मिल जाएगी, साथ ही बरसात के समय में अंतिम संस्कार करने में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए शेड भी बना दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जिन अतिक्रमणकारियों के द्वारा जमीन पर कब्जा किया है उसको मुक्त कराया जाए। वहीं नगर निगम के SDO HK त्रिपाठी ने बताया कि उनके अधिकारियों ने लेआउट किया है जहां शेड बनेगा। स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ जमीन चिन्हित की गई है। जिन जमीनों पर फेंसिंग की गई है उनके मालिकों को 2 दिन का समय दिया गया है कि अपने आधिपत्य के दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा अतिक्रमण हटाकर मुक्तिधाम बनाया जाएगा। आइए सुनते हैं, स्थानीय लोगों के साथ साथ नगर निगम के SDO HK त्रिपाठी ने क्या जानकारी दी है। सर, ये आज यहाँ भीड़ लगी है, क्या हुआ? ये वार्ड नंबर 4 खैरा नई बस्ती है, जो स्मशान के शेड बनाने के लिए था, क्रमेटोरिया जिसको हम कहते हैं, क्योंकि लोग बाग यहाँ पे खुले में शवदाह करते हैं। उसका नगर निगम द्वारा टेंडर पारित करके लोगों की मांग पर उसका आज जो है कार्यादेश के तहत भूमि पूजन करना था, लेआउट किया गया। जो रिक्त जगह मुझे दिखी, हमारे यंत्रियों ने वहां लेआउट किया। यहां के आम नागरिकों ने हमें सुझाया कि सर, यहां पे और सारी ज़मीन है जिसमें लोगों का अतिक्रमण है, तो उसे भी चिन्हित करें, और हम चाहते हैं कि अगर इस जगह में बैठने की भी जगह बन जाए और समुदाय के लिए जगह अगर थोड़ा दूर मिल जाए तो बस्ती से भी दूर होगा और घरों से भी दूर होगा। उसको हमने संज्ञान में लिया और हमने इनसे कहा कि हमें इसके खसरे सुझाएं, और मैं अगर उन पर अतिक्रमण है उनको हटा करके मैं थोड़ा बस्ती से दूर हट के समुदाय गृह बनाऊंगा, और जहां आज हमने लेआउट किया है वहां पे हम शेड बनाएंगे ताकि वहां पे लोग जो समुदाय के लिए आएँ वो बैठ सकें, उनको छाया मिल सके, और पानी बरसात के समय अपनी उस शव को भी रख के वेट कर सकें। और इसके लिए हमने यहाँ पे निरीक्षण किया और हमने संबंधित एनजीओ को कहा कि जिनके कब्जे हैं उनसे पेपर मांगे जाएं, और पेपर लेने के बाद उनका वास्तविक में आधिपत्य है तो जो हाँ हमने लेआउट किया है वहाँ हम सौदागृह बनाएंगे। अगर वहाँ जहाँ हमने रिक्त भूमि देखी है और फेंसिंग गड़े हैं और वो गवर्नमेंट की ज़मीन है तो वो फिर सौदा क्रमोटेरिया बनाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि इधर बच्चे करते हैं उधर बड़ों का सौ का वो हो जाएगा दाह। तो इस सिचुएशन के साथ हमने इसको निर्णय किया है, 2 दिन का हमने अतिक्रमणकारियों को समय दिया है, अगर उनके पेपर उनके पक्ष के हैं तो जहां हमने लेआउट किया है वहां हमारा सौदागृह बनेगा। अगर वहां पे उनका कब्जा है और वो गवर्नमेंट की ज़मीन है तो सौदागृह को वहां बनाएंगे और यहां पे उनके बैठने का हम सेट बनाएंगे। ये जनता की मांग है, आप जिनको देख रहे हैं ये सब यहीं के रहवासी हैं और आज तक इनका रहवासी ही हैं, मूल निवासी हैं, रहवासी भी हो गए मूल निवासी भी यहाँ रहते हैं लोग जो आ गए हैं। हाँ, क्या हो गया? मैं यहाँ का मूल निवासी, हम लोग दो कोल और चमार, दो तीन घर पटेल थे, उनकी पट्टे की जमीन थी, हम लोग उनके कहे अवैध कब्जा मुक्ति वो अंतिम संस्कार करते थे, उसको अपने पट्टों को उन्होंने अपनी ज़मीन ले ली और हम लोगों को मध्य प्रदेश शासन दिया गया। अब मध्य प्रदेश शासन जब दिया गया तो रजेश पटेल ने, उन्होंने भूमाफिया ने, उन्होंने ज़मीन खरीद के प्लाटिंग करके हम लोग के मध्य प्रदेश शासन भी मुक्तिधाम लिए ले रहे हैं। ऐसे कोई बात है भाई? हमको जब हमको अपने पट्टे से हटा दिया गया तो हमारा मध्य प्रदेश शासन मूल निवासी को देना चाहिए,
हम तो वार्ड नंबर 2 के तो नहीं हैं, वार्ड नंबर 4 के हैं, तो हम बंदरिया क्यों जाएं भाई, जब हम एक मूल निवासी हैं। यदि हम मूल निवासी नहीं है तो मध्य प्रदेश संसद का आज़ादी हो तो हम पिछले जाते हैं, हमारा इतना कहना है। नहीं तो आपकी मांग क्या है? हमारी क्या मुक्ति धाम, जितना मेरा मध्य प्रदेश शासन मेरे को अगर दिया गया है 4 नंबर वार्ड में, हमको 2 नंबर में नहीं जाना है, तो जो भी मध्य प्रदेश शासन है तो हम लोग निस्तार को दिया जाए मुक्ति धाम के लाने, बस वही अधिकारी लोग आए हैं निरीक्षण करके गए हैं जी, बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं यहाँ बनवाएंगे शासन की जितनी तो कुल हमको जमीन चाहिए जो मध्य प्रदेश शासन की हमको जो अलॉट कर गया था वो बहुजन वाले आदमी ने। अरे नहीं यार, हम जो हमको जो शासन दिया था हम उसी को झूठ बोलेंगे, इसमें बहुत जमीन है। अरे जमीन तो यहाँ बहुत पता, हाँ अवैध कब्जा किए हैं, कुल हमको जमीन मध्य प्रदेश शासन की चाहिए बस, हमको न चाहिए जी, बस हो गया, हमको कुछ नहीं चाहिए। विनोद पटेल है और हम ये चाहते हैं खैरा नई बस्ती मुक्ति धाम के लिए माननीय विधायक जी के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था, और यहाँ का जो भूमाफिया है राजेश वकील, ये आता है रोक लगाता है और ये बनने के लिए रोकता है, तो ये भूमाफिया को हटाया जाए यहाँ से। और रेलवे लाइन के उस पार भी जमीन है खैरा नई बस्ती में, वहाँ भी कब्जा किया हुआ है, हाँ शासन की जमीन है, हाँ नाला में रोड डाल देता है और जमीन भी बिकनता है। हाँ राजेश जी, अब बाकी ये रमेश बोलेंगे जो और भी बोलना है। कहना हमारा ये है कि खैरा नई बस्ती में लगभग 3000 की आबादी है और वर्षों से हमारी मांग रही है कि हमारे गांव के लिए एक मुक्ति धाम की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले मुक्ति धाम की व्यवस्था अंदर की ओर थी जो पहले उनके निजी भूमि में आई और उसके बाद हमें ये सरकारी भूमि में आवंटित किया गया, और हमारी जब सरकारी भूमि में नगर निगम के द्वारा टीन शेड और मुक्ति धाम के लिए व्यवस्था की गई है उस पर भी भूमाफियाओं के द्वारा विरोध किया जा रहा लगातार, तो उसी उपलक्ष्य में आज हम सभी को उपस्थित हुए थे। नगर निगम के कर्मचारी और संबंधित अधिकारी आए हुए हैं, उनसे हमारी ये मांग थी कि आप चिन्हित करें और पूरी जमीन चिन्हित करने के बाद हमारी जो सरकारी भूमि निकल रही है उसमें हमारे लिए गांव के लिए टीन सेट बनाया जाए और भी जो सरकारी योजनाएं हैं उसको हमारे वहां पे लागू की जाए। धन्यवाद।